कॉस्टिंग का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है मार्जिनल कॉस्टिंग। छोटा टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्योंकि इसके अंदर फॉर्मूलाज भर भर के हैं, लेकिन अपने को भर भर के नहीं करना, अपने को कुछ लिमिटेड फॉर्मूलाज है। कॉन्सेप्ट समझा, फॉर्मूलाज अपने आप समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। सबसे पहले समझ के लो मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है। लिमिटेड कॉस्टिंग का नाम, लिमिटेड नाम सुना है, लिमिटेड, लिमिटेड मतलब क्या होता है, एक दायरा। जब भी मैं प्रोडक्ट खरीदूंगा, प्रोडक्ट बेचूंगा, तो मुझे प्रॉफिट मिलना चाहिए बेटे, लेकिन उस प्रॉफिट को कमाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेल। मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा, प्रोडक्ट बनाने के बाद उसका एक कॉस्ट आएगा, उस कॉस्ट के बाद जब मुझे प्रॉफिट कमाना है तो उसको मुझे सेल तो करना पड़ेगा। बट सेल करते समय या तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा या तो मुझे लॉस मिलेगा, ये एक कॉन्सेप्ट तो सबको पता है। लेकिन एक लेवल ऐसा होता है जहां पर हमको डिसाइड करना होता है कि भाई इसके नीचे अगर बेचाना मैं तो मुझे लॉस है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, आप रास्ते में जा रहे हो, आपने किसी दुकानदार को पूछा कि भाई साहब ये मार्कर कितने में दिया, उसने बोला ये मार्कर 25 रुपया। अरे क्या भैया 25 रुपया, थोड़ा कम कर दो, मैं आपसे एक बॉक्स ले लेता हूँ। बोला 250 रुपये का बॉक्स है, चलो ठीक है आप 220 दे दो। क्या भैया 220, एक काम करो 150 रुपये ले लो। बार्गेनिंग शुरू हुआ। अब बार्गेनिंग शुरू हुआ इसका मतलब क्या, सेलर ने अपना प्राइस कम किया, बायर ने और कम करने की कोशिश की, एक लेवल ऐसा आएगा जहां पर दोनों क्या हो जाएंगे, एग्री हो जाएंगे सिंपल कि चलो 200 में डन करते हैं, ना तुम्हारा ना मेरा, 200 रुपये दो और चलते बनो। वो क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट है। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है कि ना तो सेलर को उससे नुकसान है ना ही बायर को उससे नुकसान है, मतलब सेलर भी खुश बायर भी खुश। सेम इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट जब कंपनी कॉस्टिंग में इस्तेमाल करती है तो वो क्या कहती है कि हमारे एक्सिस में, यानी यहां पर दो चीजें के एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। यहां पर वो दिखाने की कोशिश करेंगे अलग पार्ट और यहां पर कुछ अलग पार्ट। तो यहां पर वो कॉस्ट दिखाने की कोशिश करेंगे, क्या कॉस्ट, और यहां पर वो सेल्स दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब मैं लेक्चर लू या लेक्चर ना लू, रेंट तो मुझे देना ही पड़ेगा, सिंपल सी बात है। वैसे कुछ खर्चे होते हैं कंपनी के जो करना, मतलब सेल हो या सेल ना हो, आपको उतना खर्चा बेयर करना पड़ेगा। आपको सैलरी देना ही है, आपको रेंट देना ही है, तो वो पर्टिकुलर खर्चे कुछ ऐसे होते हैं जिसको करना कंपलसरी होता है, जिसको हम लोग कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। क्या बोलते हैं बेटा, फिक्स्ड कॉस्ट, सिंपल फिक्स्ड कॉस्ट। अब इसके ऊपर जो खर्चा किया वो मेरा कौन सा कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट। चलो क्लास 2 महीने के लिए मैंने बंद कर दिया, शटर गिरा दिया, ताला वाला मार के गांव भाग गया, क्या लगता है वो 2 महीने का मुझे भाड़ा नहीं देना है, देना तो पड़ेगा। कोई एम्प्लॉई है जिसको मैंने फिक्स्ड सैलरी पे रखा है, उससे मैंने 1 रुपए का काम नहीं कराया, तो क्या उसको पगार नहीं दूंगा, देना तो पड़ेगा, क्योंकि वह एम्प्लॉय था, मैंने उसको निकाला भी नहीं, उसने छुट्टी भी नहीं लिया, तो मुझे उसे पगार देना ही है। तो कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो हमेशा करने पड़ेंगे। अब उसके ऊपर के खर्चे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक अमाउंट तो आएगा ही, पूरा आप ट्रिपर भी गिरा के जाओगे तो एक अमाउंट आना ही आना है। ज्यादा कंजम्पशन, ज्यादा लेक्चर लूंगा, ज्यादा लाइट चलेगी, ज्यादा बिल आएगा, लेक्चर ही नहीं चला तो लाइट बिल भी कम आएगा। तो ये किसके ऊपर डिपेंड है, प्रोडक्टिविटी के ऊपर डिपेंड है। आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ा, आपका सेल बढ़ा, तो भाई आपका कॉस्ट भी बढ़ेगा, उसको बेटा बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। क्या बोलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है कि जो पर यूनिट के हिसाब से बदलते जाए, पर यूनिट के हिसाब से बदलते जाए। एक एग्जांपल के तौर पे, एक क्लासरूम के अंदर की टोटल कैपेसिटी 32 स्टूडेंट्स की है, मैंने प्राइसिंग किया कि चल यार एक लेक्चर का मैं 1000 रुपया पकड़ता हूँ, साल में मेरे को 300 लेक्चर, यानी 3 लाख रुपया मेरे को मिलना चाहिए, तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 32 स्टूडेंट करेगा, तो यानी एक स्टूडेंट का फिर 10,000 के आसपास होना चाहिए। अब मेरे को 10 स्टूडेंट ही मिले तो मेरा कॉस्टिंग बढ़ गया कि कम हो गया, बढ़ गया, यानी एक स्टूडेंट का फीस हो गया तकरीबन 30,000 के आसपास, तो क्या हो रहा, मेरा ऊपर नीचे हो गया। तो मैं क्या करूंगा, कॉस्टिंग को रिड्यूस करने की कोशिश करूंगा। तो उसके हिसाब से जब मैं अपने कॉस्ट स्ट्रक्चर को कंट्रोल करने की कोशिश करता हूं, उस कॉस्ट स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग। क्या बोलेंगे,
अब यहां पर मैं वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि वेरिएबल फिक्स तो करना ही है, उसके ऊपर जो करूंगा वो क्या मेरा वेरिएबल है, और मेरा सेल्स यहां से उतरेगा, है ना। तो यहां पर जाकर जहां पर ये ब्रेक इवन पॉइंट बनेगा, क्या बनेगा, ब्रेक इवन पॉइंट, और एक पॉइंट यहां पर बनेगा, तो एक जो सेल्स है वो मेरा वेरिएबल से टच होगा और एक पॉइंट यहां से। तो ये जो ट्रांजेक्शनल कॉस्ट है या ट्रांजेक्शनल हो रहा है उस पर्टिकुलर इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट, जिसको हम लोग ब्रेक इवेंट पॉइंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रेक इवेंट पॉइंट। जब हम लोग इसका चार्ट वगैरह बनाएंगे ना मार्जिनल कॉस्टिंग में, तो और अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि उसमें सम भी आएगा, एक दो चार्ट बना के सिखाऊंगा, तो आपको ब्रेक इवेंट में समझ में आएगा, तो थियरी लिखने के लिए भी आसानी होगी, ठीक है। तो वहां पर अपने पास डेटाज रहेंगे, तो आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा आपका ब्रेक इवन पॉइंट क्या रहेगा, ठीक है। फिलहाल मोटा मोटी बात क्या है कि मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर अपने को एक कॉस्ट स्ट्रक्चर बनाना है, क्या बनाना है अपने को, कॉस्ट स्ट्रक्चर। वो कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या डिसाइड करेगा कि भाई अपना सेल्स क्या होना चाहिए, तो उसके लिए आपको एक क्या बनाना है, कॉस्ट स्ट्रक्चर बनाना है। अब वो कॉस्ट स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज आएगी, भाई कॉस्टिंग के अंदर तीन ही चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या बोलो, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। तो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड तीनों को मिला के टोटल कॉस्ट मिलता है, सिंपल। उसमें प्रॉफिट ऐड करो कि क्या मिलेगा, सेल्स। अब यही चीज उसने डाइवर्सिफाई कर दिया। हम लोग पहले बात क्या करेंगे, सेल्स की, किसकी बात करेंगे, इसको मैं एस लिखूंगा, क्या लिखूंगा बेटा, एस, एस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, क्या बोला बेटा, वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट को हम लोग लिखेंगे वी, क्या लिखेंगे, वी। तो एस माइनस वी किया तो क्या मिलेगा, कॉन्ट्रीब्यूशन, क्या मिलेगा, कॉन्ट्रीब्यूशन, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सी माइनस फिक्स्ड कॉस्ट एफ, तो आपको मिलेगा बेटा पी, पी फॉर प्रॉफिट, पी फॉर प्रॉफिट। यानी इसने क्या किया, आपके कॉस्ट को दो हिस्से में बांट दिया, एक जो सेल्स के हिसाब से बदलेगा और एक जो फिक्स्ड रहेगा। जो खर्चे फिक्स्ड रहेंगे उसको फिक्स कॉस्ट बोलो, और जो खर्चे सेल्स के हिसाब से बढ़ेंगे या कम होंगे उसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल कॉस्ट, क्या बोलेंगे, वेरिएबल कॉस्ट। तो एस माइनस वी इज इक्वल टू सी, सी माइनस एफ इज इक्वल टू पी, एस वी सी एफ पी, एस वी सी एफ पी, एस माइनस वी सेल्स माइनस वेरिएबल, क्या मिलेगा, कॉन्ट्रीब्यूशन, माइनस फिक्स कॉस्ट, क्या मिलेगा, प्रॉफिट। कोई तकलीफ? अब ये कॉस्ट स्ट्रक्चर आप नॉर्मली हर सम में बनाने की कोशिश करो, ताकि आपको सम थोड़ा सा आसान हो जाए। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर सबसे पहले अगर कुछ निकालना है तो आपको ये निकालना है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, क्या निकालना बेटा, सबसे पहले क्या निकालना, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, जिसको हम अपनी भाषा और सिंपल भाषा में कहते हैं पीवी रेशियो, क्या निकालने का, पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का फुल फॉर्मूला होता है कॉन्ट्रीब्यूशन, क्या बोला बेटा, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू हंड्रेड, क्या बोला, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू हंड्रेड, 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 सिंपल। दूसरा, ब्रेक इवन पॉइंट, जिसे हम ब्रेक इवन सेल्स कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, ब्रेक इवन सेल्स या ब्रेक इवन पॉइंट, इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख देते हैं सेल्स। तो आप या ब्रेक इवन सेल्स बोलेगा तो भी वही हो गया, ब्रेक इवन पॉइंट बोलेंगे तो भी वही हो जाएगा, ठीक है। अब ब्रेक इवन पॉइंट आपको दो तरीके से पूछा जाएगा, या तो ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में पूछेगा, या तो ब्रेक इवन पॉइंट आपको किसमें पूछेगा, यूनिट्स में, किसमें पूछेगा, यूनिट्स में, सिंपल। ब्रेक इवन पॉइंट आपको किसमें पूछेगा, रुपीस में या तो यूनिट्स में। अब यहां पर आप क्या करो, फिक्स कॉस्ट, और यहां पर भी लिखता हूं मैं फिक्स कॉस्ट, याद करने के लिए बताता हूं सिंपल तरीका। आपको ब्रेक इवन पॉइंट बोलेगा रुपीस में निकालो या फिर यूनिट्स में निकालो या दोनों में निकालो, तो क्या करना है, फिक्स कॉस्ट ऊपर लिखना है, फिक्स कॉस्ट नीचे लिखना है, सेम है। रुपीज बोला ना बेटा, रुपीज, रुपीज के लिए लेना पीवी रेशियो, क्या लेना, पीवी रेशियो, और यूनिट्स के लिए लेना कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, क्या बोला, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, क्या बोला, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। ब्रेक इवन पॉइंट फॉर्मूला, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो।
और अगर यूनिट्स में निकालना है तो फिक्स कॉस्ट अपन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कोई तकलीफ ब्रेक इवन पॉइंट में। इसके बाद थर्ड रिक्वायर्ड सेल्स, क्या बोला बेटा, रिक्वायर्ड सेल्स मतलब क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट दिया होगा, आपसे सेल्स निकालने बोलेगा। क्या बोला, क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, प्रॉफिट, आपको क्या निकालने बोलेगा, सेल्स, आपको क्या दिया रहेगा, प्रॉफिट, क्या निकालने बोलेगा, सेल्स, आपको क्या दिया रहेगा, प्रॉफिट, क्या निकालने बोलेगा, सेल्स, सिंपल। अब इसका फॉर्मूला कैसे बनता है देखो, हम लोग क्या सीखते हैं, एस माइनस बी इज इक्वल टू सी माइनस एफ इज इक्वल टू पी, ठीक है। देखो फॉर्मूला डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे समझेगा, एस माइनस बी इज इक्वल टू सी माइनस एफ इज इक्वल टू पी, एस माइनस वी सेल्स माइनस वेरिएबल, माइनस एफ इधर के क्या आएगा, प्लस, तो पी प्लस एफ हो गया, पी मतलब प्रॉफिट, एफ मतलब फिक्स्ड, तो बीच में बचा क्या, सी, सी मतलब कंट्रीब्यूशन। तो क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, एस माइनस वी इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू पी प्लस एफ मतलब फिक्स प्लस प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, दोनों का मतलब एक ही हो गया। मेरे को अगर कंट्रीब्यूशन मिल गया तो मैं सेल्स और वेरिएबल भी निकाल सकता हूँ, और अगर मुझे कंट्रीब्यूशन मिल गया तो फिक्स्ड और प्रॉफिट भी निकाल सकता हूँ, तकलीफ। अब मेरा कंट्रीब्यूशन पीवी रेशियो निकालने के लिए भी आता है, तो याद रखो जब भी क्वेश्चन में पीवी रेशियो दिया है तो आपको उसके किसके पास सामने लिखना है, कंट्रीब्यूशन के सामने लिखना है, किसके सामने लिखना है, कंट्रीब्यूशन के, किसके सामने लिखना है, कंट्रीब्यूशन के, अरे समझा, कंट्रीब्यूशन बोला तो क्या लिखने का, पीवी रेशियो, क्या लिखने का, पीवी रेशियो, तकलीफ। अब क्या निकालने बोला आपको, रिक्वायर्ड सेल्स, तो देख रिक्वायर्ड सेल्स, तो अपने कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। क्या मेरे पास सेल्स है, देखा वापस बोला, क्या निकालना है मेरे को, वापस बोला क्या निकालना है, सेल्स, तो क्या मेरे पास सेल्स है, नहीं है, तो सेल्स में यहां पर लेके जाएगा तो पीवी नीचे आएगा, तो ऊपर क्या बचा, सी, क्या बचा, सी इंटू 100, सिंपल, सी मतलब, तो फिक्स प्लस, सर ये वाला क्यों नहीं लिए, सेल्स ही नहीं है ना मेरे पास, सेल्स होता तो मैं एस माइनस वी ले सकता था ना, तो अभी मैं सी की जगह पे क्या लिखूंगा, एफ प्लस पी, तो एफ मतलब फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, अपन में क्या है, अपन में क्या है, पीवी रेशियो, तेरा फॉर्मूला रेडी, रिक्वायर्ड सेल्स दिया तो ये वाला जो प्रॉफिट आएगा वो भी क्या रहेगा, रिक्वायर्ड प्रॉफिट रहेगा, रिक्वायर्ड प्रॉफिट, क्वेश्चन में रिक्वायर्ड प्रॉफिट दिया रहेगा, बेटा प्रॉफिट दिया है तो सेल्स निकालना है, प्रॉफिट दिया है तो सेल्स, और सेल्स दिया तो क्या निकालना बोलेगा, रिक्वायर्ड प्रॉफिट, सेल्स दिया है तो क्या निकालने बोलेगा, प्रॉफिट, और प्रॉफिट दिया तो क्या निकालने बोलेगा, सेल्स, सेल्स दिया तो क्या निकालने बोलेगा, प्रॉफिट, प्रॉफिट दिया तो क्या निकालने बोलेगा, सेल्स। तो अभी इसी फॉर्मूला को पलट दे, रिक्वायर्ड प्रॉफिट का फॉर्मूला बता क्या बन जाएगा, रिक्वायर्ड प्रॉफिट का फॉर्मूला बता, देख सिंपल, प्रॉफिट उधर ही रख, तो रिक्वायर्ड प्रॉफिट मैंने इधर ही लिखा, तो सर यहाँ पे रिक्वायर्ड सेल्स था, सही, पीवी यहाँ पे क्या था, डिवाइड, तो यहाँ पर क्या आएगा, मल्टीप्लाई, सिंपल, फिक्स कॉस्ट प्लस में था तो यहाँ के क्या आएगा, माइनस, तो मेरा रिक्वायर्ड प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या आ गया, रिक्वायर्ड सेल्स इंटू पीवी रेशियो, इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, कोई तकलीफ, समझ में आ रहा है फॉर्मूला कैसे बन गया, यानी आपको सिर्फ क्या याद रखने का, ये बेसिक चीजें याद रखनी है, ये जो चीजें ना, ये तीन चीजों के ऊपर आपका डेरिवेशन फॉर्मूला बन चुका है, और एक बार फॉर्मूला बन गया ना तो आपको 15-15 फॉर्मूला बाहर करने की जरूरत नहीं है, और आपको बताऊंगा फिर लास्ट में कि सिर्फ कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस घुमा के देगा, ठीक है। तो ये दो चीजें समझा, पहला प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का फॉर्मूला, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100, ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में बोलेगा या अमाउंट यूनिट में बोलेगा, रुपीज में बोला तो फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, दूसरा यूनिट्स बोलेगा तो फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कोई तकलीफ। उसके बाद
रिक्वायर्ड सेल्स, क्या बोलेगा रिक्वायर्ड सेल्स, रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो ये प्रॉफिट कौन सा होगा रिक्वायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, तो रिक्वायर्ड प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। तकलीफ किसी भी सम में देखोगे ना तो आपको पीवी रेशियो कंफर्म बोलता है, हर सम में आपको तकरीबन ब्रेक इवन भी बोला जाएगा, और रिक्वायर्ड सेल्स और रिक्वायर्ड प्रॉफिट में दोनों या कोई एक तो देगा गारंटी, दोनों भी दे सकता है और एक भी, सेल दिया तो प्रॉफिट निकालने बोलेगा, प्रॉफिट दिया तो सेल निकालने बोलेगा गारंटी। इसके अलावा आपको यहां पर बोलेगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, क्या बोलेगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या होता है एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, क्या बोले बेटा एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, एक्चुअल सेल्स मतलब मुझे मैंने कितना सेल किया और मैं कितना करने वाला था ब्रेक इवन सेल्स, जिसमें मुझे प्रॉफिट और लॉस मेरे को आए, यानी इतना सेल किया तो ना मुझे प्रॉफिट होगा ना ही मुझे लॉस होगा, तो ये लॉ तो ब्रेक मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको रुपीज में भी निकालने बोल सकता है यूनिट्स, तो बेटा सिंपल अगर रुपीज में बोला तो एक्चुअल सेल्स रुपीज माइनस ब्रेक इवन सेल्स रुपीज, ब्रेक इवन सेल्स रुपीज मतलब ये वाला, और अगर मुझे एक्चुअल यूनिट में निकालने बोला एक्चुअल सेल्स यूनिट माइनस ब्रेक इवन सेल यूनिट, तो यूनिट बोला तो यूनिट वाला लगाओ, रुपीज बोला तो रुपीज वाला लगाओ, ठीक है। इसके अलावा प्रॉफिट इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी, क्या वाला प्रॉफिट इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंटू पीवी रेशियो, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, क्यों जब आपको प्रॉफिट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया है बाकी कुछ भी नहीं दिया है तब आपको ये फॉर्मूला लगा के पीवी रेशियो निकालने बोलेगा, या आपको प्रॉफिट और पीवी निकाल के मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने में मदद मिलेगा, या मार्जिन पीवी और मार्जिन देगा तो प्रॉफिट, ये तीन में से दो चीज दिया रहेगा तीसरा आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। वापस बोल रहा हूं सबसे पहला पीवी सब में निकालना है, ब्रेक इवन दोनों में से कोई एक या कभी कभी दोनों देगा, ज्यादातर जितना सम करोगे आपको उतना समझ में आ गया क्या निकालने दिया क्या नहीं दिया, रिक्वायर्ड सेल रिक्वायर्ड प्रॉफिट बोलता ही है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज में बोला कि यूनिट्स में आपको देखना पड़ेगा, और प्रॉफिट के लिए आपको ये। अब अगर क्वेश्चन में व्हेन 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 टू ईयर डेटा, टू ईयर डेटा इज गिवन, जब दो साल का डेटा दिया है, कितने साल का डेटा दिया है दो साल का, सर ये दो साल का डेटा क्या क्या होगा 2010-11, 11-12, 10-20 है ना 2000 या 2010, ऐसा कोई भी दो साल का डेटा दिया है, बट कौन सा क्या डेटा दिया रहेगा, दो साल का सेल, दो साल का सेल, दो साल का कॉस्ट या दो साल का प्रॉफिट दिया हो। देख बेटा दो साल का सेल दिया है नो इशू, दो साल का प्रॉफिट दिया है नो इशू, दो साल का कॉस्ट दिया तो सेल में से कॉस्ट माइनस कर दे क्या मिलेगा प्रॉफिट। वापस बोलता हूं ईयर वन ईयर टू, ईयर वन ईयर टू ये पहला साल ये दूसरा साल, दो साल का सेल दिया है दो साल का कॉस्ट दिया है तो माइनस कर दे क्या मिलेगा दो साल का प्रॉफिट, सिंपल। अब इस टाइम पे आपका पीवी का फॉर्मूला हो जाएगा, पीवी रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा चेंज इन प्रॉफिट, क्या बोला चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100, क्या बोला चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100, मतलब यहां पे 10 है यहां पे 20 है, कितना सेल चेंज हो गया, तो y2 माइनस y1 दो साल में से पहले सेकेंड ईयर में से फर्स्ट ईयर क्या करेंगे माइनस, दो साल में से एक साल माइनस करना पड़ेगा। अरे ऐसा समझो आपको सेल दिया है कॉस्ट दिया है प्रॉफिट दिया है 10 लाख 8 लाख या 18 लाख, यहाँ पर आपको दिया है 6 लाख और 8 लाख, यहाँ पर आपको आ गया 4 लाख, यहाँ पर आपको आ गया 10 लाख, तो आपका प्रॉफिट कितना चेंज हो गया 6 लाख 10 माइनस 4 6, आपका सेल कितना बदल गया 18 माइनस 10 8 लाख इंटू 100 कर दे परसेंटेज निकालता है तेरा पीवी रेशियो, और जब ये टाइप के सम देगा ना तो वापस आपको कॉस्ट स्ट्रक्चर बनाना होगा, और जैसा मैंने बताया जो पीवी रेशियो आएगा उसको आपको कहां लिखना है कंट्रीब्यूशन में, कहां लिखना है कंट्रीब्यूशन, और फिर कॉस्ट स्ट्रक्चर बनाना, तब जाके आपका सम आसानी से सॉल्व होने वाला है अदरवाइज नहीं, क्योंकि वह टाइम पे जब आपको दो साल का डेटा दिया रहेगा ना तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको निकालना होगा फिक्स कॉस्ट, क्या निकालना होगा
फिक्स कॉस्ट, क्योंकि यही पूरा सम के ऊपर डिपेंड रहेगा। क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोलेगा दो साल का डेटा दे दिया, बोलेगा कैलकुलेट पीवी रेशियो, दूसरा कैलकुलेट फिक्स कॉस्ट। तो जब आपका पीवी आ गया तो आप फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हो, और जब फिक्स कॉस्ट आ गया तो आप वेरिएबल भी निकाल सकते हो, आप सेल्स भी निकाल सकते हो, जब आप इसके कॉस्ट स्ट्रक्चर को कंप्लीट करेंगे तब। समझा? पूरे के पूरे टेक्स्ट बुक के अंदर आपको मार्जिनल कॉस्टिंग में भर भर के फॉर्मूला दिया है, लेकिन अगर आप इतने फॉर्मूलाज अच्छे से करते हो तो आपको मार्जिनल कॉस्टिंग में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, क्योंकि क्वेश्चंस बार बार रिपीटेटिव होंगे और ये जितने भी फॉर्मूलाज लिखा है ना वही क्वेश्चंस को बार बार इस्तेमाल किया जाएगा। खाली कोई लेफ्ट हैंड साइड कोई राइट हैंड साइड ऐसे ही खेलेगा, लेकिन रहेगा वही चीज। मार्जिनल कॉस्टिंग में नॉर्मली मेरे हिसाब से 6 फॉर्मूलाज ये और एक ही 7, टोटल 7 फॉर्मूलाज होते हैं, और जब सम करोगे तो आपको बेस्ट से बेस्ट समझ में आएगा कि क्या चीजें चल रही है। ठीक है।